फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आप मेरे साथ अंजलि पटेल के साथ इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में, और आज मैं आपके लिए वीडियो क्या है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि वीडियो बनाओ, थोड़ा सा भी कुछ स्वास्थ्य की परेशानी आ गई थी, इस वजह से मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया है, उसके लिए सॉरी हूँ मैं सबसे। और अब मैं मुझे लगा कि देखिए, टाइपिंग तो सबको बनती है। अब टाइपिंग तो जैसे मैंने बताया, सब फॉलो कर रहे हो आप लोग और टाइपिंग सीख रहे हो, किसी को कोई परेशानी जाए तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। और मैंने ये सोचा कि टाइपिंग तो अब बनेगी लोगों से, लेकिन जब टाइपिंग बनने लगती है उसके बाद तो आप जैसे कहीं काम कर रहे हैं, कहीं वर्क कर रहे हैं, और यदि आपको टाइपिंग बनती है और आपने मान लो किसी से बोला कि मुझे तो टाइपिंग बनती है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप एक काम करो, मुझे एक लेटर टाइप करके दिखा दो, या मुझे स्टाम्प पे सेट करके, मतलब टाइपिंग के बाद जो सेकंड स्टेप आता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है सेकंड। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बता रही हूँ। सेम विंडो 7 में, सेम विंडो 10 में, सारी चीज़ें सेम है। आप कोई भी विंडो ओपन करेंगे, 2016, 3, 7, जो भी चलाएँ आप विंडोज़ की, एमएस ऑफिस की, उनमें सारी चीज़ें सेम रहती हैं। ऊपर ये जो आपके जो बुलेट्स दिए रहते हैं, ये सारे सेम रहते हैं, ठीक है, लेवल पर। और ये आप बस ये समझ लीजिए कि किस एक चीज़ का क्या परफेक्टली उसका वर्क है, आप इसको समझ लेंगे तो आपको सेटिंग बहुत आसानी से बन जाएगी। तो आज मैं आपको बताती हूँ, कि शपथ पत्र जो कि अपन स्टाम्प पेपर पे टाइप कराते हैं, 5 वाले, 10 वाले, 50 वाले, 100 वाले, या रजिस्ट्री वाले स्टाम्प पेपर पर, अभी नया स्टाम्प चला है ई स्टाम्प करके, उस पर कैसे सेटिंग होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे 10 वाले, 50 वाले या ई स्टाम्प पेपर में आप कैसे सेटिंग कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ को कैसे परफेक्टली सेट कर सकते हैं। यदि आपको जो है रूलर, जिससे परफेक्टली आपकी जो सेटिंग होती है, वो मेन काम होता है आपके रूलर का, रूलर और टैब, दो चीज़ से सेटिंग होती है। जब आप रूलर में आप टैब सेटिंग करते हो, उसी से आपका बराबर होता है, ठीक है। तो मैं आज आपको सिंपल, अभी मैं आपको स्टाम्प पे बता रही हूँ कि कैसे सेटिंग की जाती है। आप जैसे मान लो कि आपके पास 10 रुपये वाला स्टाम्प है, तो जो ऊपर का वो लिखा हुआ होता है ना, अच्छी चौड़ी सी पट्टी, मतलब आधे पेज पे लिखा हुआ होता है कि 10 रुपये का स्टाम्प पेपर ये, तो उसके लिए आपको 4.75 का ऊपर स्पेस छोड़ना पड़ेगा। उसके नीचे से आप टाइप करेंगे तो आपका क्या, आप स्टाम्प पेपर लगाएंगे और उस पर प्रिंट दे देंगे, तो ऊपर उतना गैप छोड़ के नीचे से आपका टाइपिंग मैटर आ जाएगा, और जितना भी एक्स्ट्रा जाए वो आप नेक्स्ट पेज पे ग्रीन पेपर पे निकाल सकते हैं। वैसे ही आपका यदि 50 वाले स्टाम्प पेपर है, तो 50 वाले पे आप 5 इंच का गैप छोड़ें ऊपर, और फिर उसके बाद से आप क्या टाइपिंग पहले पूरी कर लें, सेटिंग पूरी कर लें, और सिर्फ यहाँ रख के फर्स्ट लेटर के पहले रख के एंटर मार दें जितनी दूरी पे है, या आप टॉप से भी उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। और रह गया जो ई स्टाम्प वाला, तो ई स्टाम्प में आप पीछे निकाल सकते हैं, जो पीछे प्लेन पेपर होता है ना, उस पर निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ई स्टाम्प पे कैसे सेट। तो मान लीजिए हमारे पास 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने मैटर लिख के रख लिया। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पेज कौन सा है। सबसे पहले इसकी जो सेटिंग होती है मेनली, वो होती है पेज। तो पेज लेआउट में आप जाइए, 10 में, 7 में, 16 में, सब में ये पेज लेआउट का ही ऑप्शन देता है। आप जाइए यहाँ पर, यहाँ पर जाने के बाद आप इसको A4 करिए, A4 यहाँ पे आप ढूंढ लीजिए, ठीक है, ये A4 स्मॉल, ठीक है। जब ये पेपर A4 हो गया, यहाँ पे आप मार्जिन्स 1-1 की रखिएगा, ठीक है। ये मार्जिन 1-1 के मतलब चारों तरफ 1-1 इंच का गैप हो जाएगा चारों कोनों में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ओरिएंटेशन आपकी पोर्ट्रेट रहेगी, मतलब खड़ा हुआ पेज, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे, आप क्या यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से ये वाला स्केल देख के भी कर सकते हैं। तो आप, मैं बताती हूँ वो वाला पहले बता देती हूँ आपको मैं, कि आप यहाँ जाएंगे पेज लेआउट में और मार्जिन्स में जाएंगे। मार्जिन में जाने के बाद यहाँ कस्टम मार्जिन्स में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप टॉप पर ना 5 कर देंगे, यदि आपका 50 वाला है, आपका 10 वाला स्टाम्प पेपर है तो 4.75 कर देंगे, ठीक है। लेकिन 5 रखिएगा, उसमें भी 5 ही रखिएगा, इस पर भी हाइट 5, ये देखिए 5 इसने ऑटोमेटिक यहाँ से घटा दिया। अब इसका एक दूसरा तरीका, जो अनुभवी लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे पहले सेटिंग करने के पहले यहाँ पे एंटर लगा लेते हैं 5 इंच का, ये देखिए
ठीक है, अपने हिसाब से लगा लेते हैं। और आप कोई भी स्टाम्प पेपर में निकालने के पहले एक प्रिंट जरूर निकाल के देखें और उसके ऊपर एक लगा लें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सही स्पेसिंग है कि नहीं। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब हम इसकी सेटिंग करते हैं। इसकी सेटिंग कैसे होती है, ये हमने इसको किया। आप शॉर्टकट चलाएंगे तो बहुत जल्दी सेटिंग होगी। सेटिंग को सही तरीके से चलाने के लिए आपको शॉर्टकट्स याद होने चाहिए, तो वो मेरी वेबसाइट पर डलें, आप देख लीजिए पूरे शॉर्टकट्स। और मैं अभी आपको बताती हूँ, आपको मैं यहाँ से बताती हूँ, ठीक है। और यदि इसको सेंटर में करना हो तो कंट्रोल ई से भी होता है, और बोल्ड और अंडरलाइन कंट्रोल बी से बोल्ड होता है और कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। अब देखिए इसको यहाँ से कैसे करते हैं। यहाँ ये चार आपके ये हैं, ठीक है, इस पर आप सेंटर वाले पे करेंगे और यहाँ पे बोल्ड का बटन दबाएंगे और अंडरलाइन का बटन दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये पूरा जो है इस पूरे को आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको उठा के जस्टिफाई कर देंगे। जस्टिफाई से ये एक सा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपका लेटर लिख गया है, ठीक है। लेटर लिखने वो लिखने के बाद आपका ये जो मेन हेडिंग है इसको बोल्ड कर देंगे, जैसे इनका नाम हो गया, पिताजी का नाम, ये तो ठीक है। उसके बाद ये आप नंबर्स टाइप करेंगे तो नंबर आपका ऑटोमेटिक ले लेगा, एमएस वर्ड में ये सुविधा रहती है। शपथकर्ता जो कि होता है वो सबसे यहाँ पे होता है, इसको आप कंट्रोल आर से राइट पे कर सकते हैं या तो ये वाले टैबुलेशन से आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसका मैं आपको बता देती हूँ, रूलर के हिसाब से ये रहता है कुछ इस प्रकार का, ये इसमें टैब नहीं लगा होता और ये ऐसा होता है, तो ये आपको ऑटोमेटिक सुविधा देता है टैब बनाने की। पर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे आप ये टैब लगाएंगे, टैब कैसे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये टैब ऑटोमेटिक आ जाता है। इसको हटाना तो इसको उठा के ऊपर कर दो, क्लिक करे करे तो चला जाता है, ठीक है। ये एक रख लिया अपन ने, और ये नीचे वाला शिफ्ट कंट्रोल के साथ दबाया और ये नीचे वाले को पकड़ के इसके नीचे रख दिया। इसका मतलब ये होता है कि जो सेकेंड लाइन है आपकी वो भी इसी के नीचे आ जाएगी, उसके लिए ये वाला चलता है, ठीक है। तो आप ये करें। अच्छा, ये टैब के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं। देखिए एक ये वाला जो टैब है जिसमें एल बना हुआ है, ये आपका लेफ्ट हैंड से चालू करता है, मतलब जो भी वर्डिंग है आपकी लेफ्ट हैंड से चालू होगी। उसी के अपोजिट यदि आप ये देखिए यहाँ पे टैब का एक डब्बा सा बना होता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे तो ये उल्टा टी बन जाता है। उल्टा टी का ये मतलब है कि आप ये उल्टा टी जहाँ पे भी रखेंगे तो उसके नीचे सेंटर पे आप टाइपिंग करते जाएंगे। सेंटर मतलब मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए नाम लिख दिया आपने, है ना, ये नाम लिख दिए आपको, इनके पिता का नाम लिख दिया आपने कुछ भी, श्याम प्रसाद, और इसके नीचे इनका एड्रेस लिख दिया, इनका जो भी मकान नंबर है वो, ठीक है। अब ये इनका आपने यदि ये टैबुलेशन लगा के यहाँ पे यदि ये उल्टा टी लगा दिया तो ये इसके सेंटर पे चलने लगेगा। आप एक एक टैब लगाएंगे और ये इसके सेंटर पे, देखिए तीनों लाइन एक सेंटर पे आ गई ना। अब ये टैबुलेशन आप कहीं भी लगा सकते हो उल्टा, ये देखिए यहाँ करेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा, यहाँ करेंगे यहाँ हो जाएगा, लेकिन सेंटर पे चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका है वो है ये राइट हैंड वाला, जो ये था वो उल्टा हो गया, ठीक है। तो आप लगाएंगे तो सारी चीज़ें इस तरफ से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने मान लो इसको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होंगी, हाँ, इसको पकड़ना है और किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके लगाइएगा, ये देखिए सारा इस तरफ। अब मैं लिखना भी चालू करूँगी ना एक टैब लगा के, तो इधर ही से लिखेगा, ठीक है। इन चारों टैबों का मतलब मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो इसमें टैब्स रहते हैं वो मतलब उतने इम्पॉर्टेंट नहीं रहते सेटिंग के लिए, तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने बताई है, आप राइट क्लिक कर भी कंट्रोल आर भी कर सकते हैं जल्दी सेटिंग के लिए, और आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको भी बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जो हाईलाइटेड चीज़ है उसको आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ये आपको मैंने बताया था सेंटर बोल्ड और अंडरलाइन, ठीक है। इसको यहाँ पे एक लगा दिया अपन ने एंटर, यहाँ पे यहाँ पे बोल्ड कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको गए फिर से अपन ने कंट्रोल आर किया और ये कर दिया, ठीक है। और ये अपना देखिए अपना ये सेट हो चुका है। अब ये आप क्या करें, सबसे पहले एक प्रिंट निकालें, जहाँ आप यहाँ पे जाएंगे प्रिंट प्रिंटिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए इतना छूट गया। यहाँ पे आप एक प्रिंट निकाल लें, उसके बाद इस आपके ऊपर रख के देख लें सेटिंग सही है तो आप प्रिंट दें, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको बताया है टैब आप अच्छे से समझ लें, ये चारों टैब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि मैंने आपको बताया है। और ये बहुत सिंपल तरीका है ई
स्टाम्प में या किसी भी स्टाम्प पेपर में सेटिंग करने का, आप अपनी इंफॉर्मेशन लिखें और टैप सेटिंग से कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई परेशानी जाए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए।